ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधाङ्गमरविन्दनेत्राङ्ग स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्याङ्ग बदामि राधां करुणाभराद्रां तत्त्वमन्यास्ते गतिर्न क्वापि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हाँ, बड़े हर्ष की बात है, आनंद की बात है। मैं राधा रानी की जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करके मैंने आज हॉलैंड में आया हूँ। 3 दिन तक गीता सेमिनार वेबसाइट में जहाँ पर ये लोग करते हैं वहाँ पर राधा जी की तत्वों के ऊपर में हम लोग 3 दिन तक डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये राधा रानी कौन है, बोली राधा रानी और कोई नहीं, श्री चैतन्य चरितामृत में बताया, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात् देकात्मना भुवि पुरा देहा भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकरण मधुना तद्वयम् चैकमाप्तम् राधा भाव दुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। बोले राधा रानी और कोई नहीं, कहते कृष्ण का प्रेम ही एक रूप जब धारण करती है, कहती है श्री राधा रानी, कहती है कृष्णा ये स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखिल रसामृत स्वरूप है भगवान कृष्ण, जिसको वेदों में जिनको एकमेव अद्वितीयम् बताए। लेकिन भगवान जब एक होते हैं, आत्माराम आप्तकाम होते हैं, लेकिन होते हुए भी उनका रसास्वादन करना उनका एक स्वभाव है। इसलिए भगवान कृष्ण रसास्वादन करने के लिए वो स्वयं राधा रानी को ही ये प्रकट करती हैं। ये राधा रानी और कहीं नहीं, कृष्ण का जो प्रेम है जब एक अलग रूप धारण करती हैं, कहती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए जब तक किसी राधा रानी की कृपा नहीं हो, कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। बोले कृष्ण कब मिलेंगे, अगर किसको ये अभिमान आ जाए हम तो श्री राधा रानी की दासी दासी दासियों का दासी है, तभी उनको शीघ्र श्री कृष्णचंद्र प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसको कृष्ण भक्ति रस में स्नान करना हो, कृष्ण भक्ति पाना हो, सबसे पहले राधा रानी की कृपा चाहिए। इसलिए हमारा संप्रदाय को ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। गौड़ीय मतलब श्री गौरी श्री राधा रानी की जो चरण को आश्रय करते हुए जो भजन करते हैं, इसका मतलब श्री गौड़ीय है। इसलिए हम लोग श्री राधा जी की तत्व को ऊपर में राधा रानी की कथाओं को हम 3 दिन तक हम श्रवण करेंगे। इसलिए आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं हमारे गीता सेमिनार पर, और वेबसाइट वेबसाइट में उसमें एड्रेस दिया हुआ है, वो एड्रेस को आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर 3 दिन तक हम राधा जी के तत्वों को पर में हम विवेचना करेंगे। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वंशा कल्पतरुर्भ्य कृपा सिंधु भयवच पतितानंग पावने भो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।